देखो एक बात मैं साफ साफ बता दूं, यदि आप जुलाई से लेकर अब तक नहीं पढ़े, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि जो समय चला गया वो लौट के नहीं आ सकता। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस थे, मजे मजे में आपने बहुत सारे मजे ले लिए, बहुत सारी मूवी देख डाली, बहुत सारी सीरीज देख डाली। लेकिन यदि आप जनवरी से भी पढ़ना शुरू नहीं कर रहे हो तो मेरी नज़र में आप खत्म हो, आपका कुछ नहीं हो सकता। क्या पूरी लाइफ ही खत्म कर दोगे यार? अरे बहुत सारे मजे ले लिए, बहुत सारे मजे बाद में ले लेना। ध्यान रखना, ये क्लास कभी लौट के नहीं आएगी। आप इस क्लास को खत्म करोगे, ये आपको खत्म कर देगी। एक एक करके आप क्लास ही तो खत्म कर रहे हो। तो आज के वीडियो में मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि जनवरी से पढ़कर भी 95% कैसे स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा गेम नहीं है, ये कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना नहीं है, थोड़ी सी पढ़ाई है जो की जा सकती है। सबसे पहला बिंदु जो मैंने टीचिंग में एक्सपीरियंस करता हूं कि बहुत सारे बच्चे तो अभी भी नहीं जागते। तो पहला मेरा बिंदु है, क्या अभी भी आपका मन नहीं कर रहा है कि पढ़ लें कि अब तो पढ़ लें? तो इसके लिए मैं आपको सीधा सा लॉजिक बता रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ। जैसे हम वीडियो शूट करते हैं, है ना, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो कई बार कई दिन तक हमारे साथ भी ऐसा होता है कि मन नहीं करता कि यार वीडियो बनाए, पहले स्क्रिप्ट लिखो, क्या बोलना है, क्या पढ़ाना है, फिर यहाँ पे आओ, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती है, एडिटिंग, बहुत सारा काम होता है। तो अब हर व्यक्ति काम से बचना चाहता है, तो हमारा भी मन नहीं करता कि वीडियो बनाए। तो देखो इसी बात को आप पढ़ाई पे ले जाना, मतलब बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। अब जैसे मुझे वीडियो बनानी है, ठीक है, तो मैंने सिर्फ पूरे दिन में, ये पूरा दिन है, सिर्फ इसमें एक बार सोचा, जब मैंने लिखा सोचा तो एक बार के लिए, एक बार सोचा कि यार वीडियो बनानी है, ठीक है। दूसरा ये एग्जाम्पल सब जो मैंने सोचा वीडियो बनानी है, 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 मैंने सोचा वीडियो बनानी है। माना मैंने दिन में 10 बार सोच लिया कि यार वीडियो बनानी है, तो बताइए ये भी एक दिन है, एक दिन ये है और एक दिन ये है, मतलब एक दिन क्या हुआ कि एक दिन मैंने सिर्फ एक बार सोचा कि यार वीडियो बनानी है, लेकिन एक दिन मैंने दिन में 10 बार सोच लिया एक एक घंटे बाद कि यार वीडियो बनानी है, वीडियो बनानी है, वीडियो बनानी है। तो बताओ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत सरल सा क्वेश्चन है कि क्या चांस है, इस दिन में ज़्यादा चांस है या इस दिन में ज़्यादा चांस है, आप ही बताओ। सिंपल सा लॉजिक है यार, इस दिन में, क्योंकि इस दिन मैंने 10 बार सोचा। अगर मैं 10 बार सोचा ना, तो ये बात कहीं ना कहीं गहराई से मेरे अंतर मन में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, और जो बात सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है ना, जो अंतर मन में चली जाती है, गहरे दिमाग में उतर जाती है, वही चीज़ होती है। तो सबसे पहला काम तो आप ये करोगे, अगर आपका अभी मन नहीं कर रहा है ना, तो दिन में 10-20 बार 30 बार सोचो यार पढ़ना है। हकीकत बता रहा हूँ, ऐसा ही होता है, सब माइंड का ही खेल है। तो बार बार जब दिमाग में आप इस बात को पहुंचाओगे, इस मैसेज को पहुंचाओगे, तो हमारा दिमाग फिर प्रिपेयर होगा, फिर तैयार होगा पढ़ने के लिए। तो ये चीज़ जरूरी है, बार बार सोचो। दोस्तों से भी इसी बात की चर्चा करो, घर पे बोलो, अपने बाल नोचो, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, गुस्सा करो, कुछ भी करो, फिर आपके सब कोशिश मैंने वो चीज़ चली जाएगी और आप पढ़ने को तैयार हो जाओगे। सिर्फ दिन में एक बार सोचो यार पेपर और आ गए, यार पढ़ना और पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला। 50 बार सोचो, लिख दो दीवारों पे, मुझे पढ़ना है, कल से पढ़ना है। जितनी बार सोचोगे उतनी ही प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ऐसे तो आप शुरुआत कर सकते हो, अगर अभी भी आपका मन नहीं कर रहा है तो। यार साल क्यों बर्बाद कर रहे हो? इधर देखो, पूरी साल पढ़े हो, इतनी फीस दी है, इतने सारे तुम्हारी मम्मी ने टिफिन बॉक्स में तुम्हारे लिए, मतलब टिफिन तैयार किया है, तुम उतना खा लिया, इतना बैग लटका है, ये वो, और लास्ट में जब एग्जाम है तब सब कुछ खत्म कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। इतनी फीस भरी तुम्हारे पापा ने, वो बेचारा काम कर रहा है, और वो सब वेट भी कर रहे हैं कि तुम पढ़ रहे हो, उनकी आशा भी है, उम्मीद भी है, तुम उस उम्मीद को तोड़ रहे हो सिर्फ एक आलस के पीछे, एक मजे के पीछे। बहुत मजे ले लिए यार, हर बार फिर ऐसे ही मजा आएगा, पहले आया था अगली बार भी ऐसे आएगा, है क्यों आदि हो रहे हो? एक बार जीवन में संघर्ष भी करके देखो, ऐसा होना चाहिए। एक अच्छे आदमी की पहचान है कि अपनी लाइफ में एक बार स्ट्रगल जरूर करता है, तभी कुछ मिलता है, तभी कुछ अच्छा होता है, तभी कुछ अच्छी फीलिंग आती है। आप मजे कर लेते हो, उसके बाद अच्छी फीलिंग थोड़ी आती है, पश्चाताप ही होता है हमेशा। लेकिन जिस दिन तुम पढ़ते हो उस दिन क्या फीलिंग आती है? यार आज तो कुछ अच्छा किया, तो उस फीलिंग तक पहुंचो, और पहुंचने का एक तरीका है, बार बार सोचो। अब कैसे पढ़े? पढ़ने के दो तरीके हैं, एक तो गधा तरीका, अक्सर बोल देता हूं मैं क्लास में, जैसे कि देखो आज 20 बार सोच लिया, आज 1 जनवरी है ना, आज से मैं पढ़ना शुरू करूंगा, फिर गधे तरीके से पढ़ रहा है, ये फिजिक्स है, मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, कोई भी है, उसका पहला चैप्टर उठाया और बस अंडरलाइन कर रहा है, उसको लिख रहा है, रट रहा है ना, और पढ़ रहा है, बहुत जोर से पढ़ रहा है, घर वाले भी बहुत ताजब ताली, घर वाले बेचारे क्या जानते क्या पढ़ रहा है, पर पढ़ रहा है, वास्तव में पढ़ रहा है, पर गधे की तरह पढ़ रहा है। दोपहर हो गई, दो ही पन्ने पलटे हैं, बस दो पन्नों में दोपहर हो गई, क्यों? पढ़ रहा है ना, बिल्कुल गहरा अध्ययन कर रहा है, बोलो रिसर्च करेगा, अरे तू क्या रिसर्च करेगा, सुन ले मेरी बात, सबसे पहले सिलेबस को देख, मैथ में साइंस में, कि सिलेबस क्या है,
कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा। उसके बाद सबसे जरूरी चीज है कि पिछले साल का पेपर देख, उससे पिछले साल का पेपर देख, पेपर में क्या पूछा जाता है, पेपर कैसे सेट होता है, पेपर में मतलब क्या स्ट्रेटेजी है, मॉडल पेपर क्या है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उस हिसाब से तैयारी करो, क्योंकि समय कम है। अब तुम सारा का सारा कवर नहीं कर सकते हो, तो जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिस चैप्टर में जो चीज आती है, मतलब थोड़ी रूपरेखा तो हो कि पढ़ना कैसे है, फिर एक कॉपी में लिखो क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है, फिर टाइम का डिवाइडेशन करो, ठीक है, टाइम को डिवाइड करो कि भाई ये मैथ है ना, इसके लिए मुझे इतने आवर्स देने हैं, ये इंग्लिश है इसके लिए मुझे इतने आवर्स देने हैं, और ये मतलब पूरा कैलकुलेट करो, बुद्धिमान बनो, गधे की तरह पढ़ोगे कुछ नहीं होगा, चार अभी दो पन्ने पलटे आज, कल दो और पलट लोगे परसों, और फिर निराश हो जाओगे यार, अरे यार 15 दिन निकल गए अभी तो मैथ और रह रही है, रहेगी तो गधे की तरह पढ़ रहा है, थोड़े इंटेलिजेंट तरीके से पढ़, सारे सब्जेक्ट को बराबर टाइम दो, जो ज़्यादा वीक है उसको थोड़ा ज़्यादा दे सकते हो, लेकिन थोड़ा फोकस करो, मतलब खुद ही रणनीति बनाओ कि मुझे कौन सी चीज़ कितने कम समय में कैसे कवर करनी है। और एक बात कभी मत भूलना, जैसे माना कि आपके पास आपके एग्जाम में माना कि 2 मंथ्स बचे हैं बस, ठीक है, और बस तुम इस चक्कर में बैठे हो कि 2 महीने हैं, और जो तुमने टाइम टेबल बनाया वो 2 महीने तक का बना दिया कि ये 2 महीने मुझे इस तरह से सारा सिलेबस इस तरह से कवर करना है, तुम फिर गधे हो। क्यों? मूल मंत्र क्या है नंबर लाने का, मूल मंत्र क्या है एग्जाम में लिखने का, रिविजन रिविजन रिविजन, क्योंकि एक बार में चीजें दिमाग से स्लिप हो जाती है, चाहे कोई कितना ही तूफानी बच्चा है, कुछ एक होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, ज्यादातर एवरेज बच्चे होते हैं, चीजें स्लिप हो जाती है, जिस समय पढ़ रहे होते हैं याद हो जाती है लेकिन बाद में स्लिप हो जाती है, गायब हो जाती है। तो चीजों को दिमाग में स्टोर रखने का, एग्जाम तक लिखने का एक ही तरीका है, रिविजन रिविजन रिविजन। इसलिए तुम जो टाइम टेबल बनाओ उसमें से रिविजन के लिए, माना कि 2 महीने है तो 2 महीने में से आपका लगभग 1.25 महीना 35 दिन या 40 दिन तक ही आपका एक बार अच्छे से हो जाए, मतलब गहरा वाला डिटेल वाला, उसके बाद में आपको 3 से 4 रिवीजन देने ही हैं, 3 से 4 रिवीजन देने ही हैं, पूरी वीडियो का निष्कर्ष अगर किसी बात पे लेना चाहते हो तो ये चीज़ है मैन, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और कोई तरीका है ही नहीं, क्योंकि कुछ भी चीज़ है हार्डवर्क तो मांगती है, हार्डवर्क पता है कब लगता है, जब देखी दिखाई चीज़ को दोबारा से ठूसना दिमाग में, मतलब जिस काम को करने का मन ना करे ना, जब तुम वो काम कर रहे हो ना तुम सही जा रहे हो, और जब जिस काम को करने का मन कर रहा है ना तुम गलत जा रहे हो, तुम्हारा मन तो ऐसा कर रहा है कि यार बहुत पढ़ लिया अब टीवी देखते हैं अब खेलते हैं, तुम गलत जा रहे हो, तुम सही कब जा रहे हो, जब तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, तो मन नहीं करता है पढ़ने का, किसी का नहीं करता है लेकिन करना पड़ता है। जो अब देखो हाँ, इसमें भी एक लॉजिक है, शुरू में नहीं लगता लेकिन कुछ समय बाद फिर मन भी करने लग जाता है, फिर क्या है हमारा दिमाग है ना, यार ये मेरा काम अभी अधूरा है ये पूरा है, फिर उसमें लग जाता है दिमाग, जो दिमाग तुम्हारा फालतू में लग रहा है ना, फिर उसमें लग जाता है, अरे यार मेरी मैथ रह रही है, अरे यार मेरा ये हो गया, मेरे 3 रिवीजन हो गए, मेरा वो रह रहा है, वो चैप्टर रह रहा है, ये सब रह रही है, ये ऐसे रह रहा है, मतलब जो भी है, फिर उसमें हमारा दिमाग को इंटरेस्ट भी आने लग जाता है, शुरू में बोरिंग लगेगा बाद में मजा आएगा, ठीक है। तो कैसे पढ़े, गधे की तरह मत पढ़ना, इंटेलिजेंट सिलेबस के अनुसार पढ़ना, नोट्स बनाना, कितना पढ़े, तो भाई देखो पढ़ना तो जरूरी है, तो यहाँ पर मैं एक सीधा सा मापदंड बता रहा हूँ, अगर आप पहले से पूरी साल नहीं पढ़े हो, अब पूरी जुलाई से पढ़ रहे हो, आपने 2-3 रिवीजन मार दिए, तो फिर तो आप कितना भी पढ़ सकते हो, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो ना, तो आपको 6 से ठीक है 10 आवर्स पर डे, मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 6 से कम तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम आप 10 तक जा सकते हो, 11, 12 तक जा सकते हो, पढ़ने से कोई नहीं मरता, ठीक है, कहीं तुम सोचोगे ज़्यादा पढ़ लूंगा तो फट जाऊंगा, कुछ नहीं फटोगे, तुम सही रहोगे, 6 से 10 घंटे आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा अगर आप 2 से 3 मंथ कर लेते हो, मतलब आपके एग्जाम कम है ये तो पता लगेगा, तो फिर आपकी लाइफ बनती है, लाइफ आप कुछ नहीं बनती, पढ़ाई से लाइफ थोड़ी बनती है, स्ट्रगल से लाइफ बनती है, काउंट होता है कहीं कि कोई व्यक्ति रगड़ रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, ये मेहनत आपकी काउंट होती है, क्या तुम्हें पता है कि सभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो उसी क्षेत्र में जाते हैं, कोई बच्चा थोड़ा सा पढ़ के बिजनेसमैन बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, किसी ने पहले बायोलॉजी ली थी बाद में आर्ट में यूपीएससी फाइट कर लिया, या कोई आर्ट वाला बच्चा था बाद में बायोलॉजी आके डॉक्टर बन गया, तो हम कहाँ सेट होने ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हमारे समस्त कर्म हमारा समस्त संघर्ष कहीं ना कहीं काउंट होता है, आप जब ये पढ़ते हो ना तो आपका ये स्ट्रगल है जो कि काउंट हो रहा है, कहीं ना कहीं आप मैच्योर हो रहे हो, आपका दिमाग तेज हो रहा है, आप लोगों को अच्छे लग रहे हो, और जो आप अच्छे लगते हो ना तभी लोग आप पे पैसा फेंकते हैं, आपको जॉब देते हैं, आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, जो भी करते हैं, तो ध्यान रखना लाइफ में अगर रेस्पेक्ट चाहिए ना, रेस्पेक्ट, वैसे मुझे पता है तुम्हें पैसा चाहिए, तुम अभी रेस्पेक्ट तक पहुंचे नहीं हो, रेस्पेक्ट एक व्यक्ति के बाद पैसा भी आ जाता है ना बाद में, रेस्पेक्ट चाहिए, तो रेस्पेक्ट पहले प्लस मनी, ये दोनों चीज आपको 6 से 10 घंटे पढ़ के रिविजन करके मन का नहीं करके जबरदस्ती किताबों के पास बैठ के मिलती है, ये मेरा निजी अनुभव है, ऐसा होता है, आपके कर्म काउंट होते हैं, इसलिए कर्म बढ़ाओ,
काम करो। लेकिन हमेशा एक बात जरूर कहूंगा, अगर महेश गुरुजी क्लास में हो, इंग्लिश वाले सर क्लास में, तो इंटेलिजेंट तरीके से पढ़ा करो यार बेवकूफ। एक बात बताऊं, अभी जो तुम सिलेबस तुम्हें ऐसा लग रहा है ये अभी 4 साल बाद जब तुम अगली क्लास में पहुंच जाओगे तो ये छोटा सा लगेगा, ये बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, हमें अब महसूस होता है, लेकिन हम जब पढ़ते थे तो हमें भारी लगता था। तो उसी नज़र को तुम बड़ा कर लो ना कि यार बहुत ज़्यादा नहीं है। और फिर एक बात बताओ, कभी भी ऐसे मत सोचा करो 95, 96, 97 ऐसा मत सोचा करो, तुम अपने एफर्ट लगा दो अच्छे से ईमानदारी से, बस दबा के मेहनत कर लो, फिर दबा के परसेंटेज बन जाएगी और परसेंटेज से कुछ नहीं होने वाला। अब दबा के पढ़ लो, अब तो ये सोचो ना कि बस मुझे काम करना है, मुझे मेहनत करनी है, और फल, अब फल तो पता नहीं कितने वर्षों बाद किस मोड़ में आपको मिलेगा, आप लाइफ में कहाँ पहुँचोगे, लेकिन पहुँचो कहीं पहुँचोगे तभी जब आप ये सारे मापदंड पूरे करते हो, क्योंकि इनमें आपके माता पिता की आकांक्षाएं भी पूरा हो रही है, ठीक है, वो भी आपसे एक क्या एक उपेक्षा कर रहे हैं कि कुछ बच्चा करे, और आप कर रहे हो तो आप सही जा रहे हो यार, आपके साथ होगा भी फिर सही, ठीक है। तो इतने बुद्ध तुम भी नहीं हो, समझ गए हो यार, दिल से पढ़ाया, इतना चिल्ला के बोला है, ठीक है, तो पढ़ना आज से शुरू कर देना, पहुंच जाओगे, मिल जाएगा जो तुमको चाहिए, सब मिल जाएगा, ठीक है, इससे भी ज़्यादा कुछ और मिल जाएगा, ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।